हो गई ना स्टार्ट? हाँ सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइव क्विज व्हिच इज ऑफ एटॉमिक एंड स्टोशियोमेट्री. सो इसमें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन सेज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज ऑफ. अब जब भी हम एलिमेंट के लिए एटॉमिक मासेस की बात करते हैं तो जब भी कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनके लिए हम एक एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं जिसका तो एवरेज एटॉमिक मास हम उस उनके लिए डिफाइन करते हैं. और एवरेज एटॉमिक मास मास का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है. Which is equal to the sum of, let's say हमारा कोई भी एलिमेंट है और उसके n isotopes exist करते हैं तो हम उनका summation लेते हैं x i by 100 multiply by a i. अब यहाँ पे x i क्या है? अब naturally occurring substances हैं, हमारे natural occurring isotopes हैं, तो for them we use their natural occurring abundance. तो अब जो naturally उनका जितना fraction वो exist करता है तो एक्स आई यहाँ पे जो हमारा है that is the percentage of the isotope existence. Whereas AI is its atomic mass. तो इस फॉर्मूला से हम उस एलिमेंट का एक वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट. इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा. सेकेंड क्वेश्चन सेज इन विच पेयर डू द पार्टिकल्स हैव अप्रॉक्सीमेटली सेम मास. अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सबका मासेस हमें ऑलरेडी पता है. तो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजीज. वेयर एज द मास ऑफ प्रोटोन is equal to 1.672 into 10 to the power minus 27 kgs. Or mass of neutron jo hota hai, that is equal to 1.674 into 10 to the power minus 27 kgs. So ye to hume pata hi hai ki mass of proton or neutron ka almost barabar hai. To yahan pe correct option hoga hamara option number B. तो अब यहाँ पे हमें यूजुअली ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. ये हमें ऑलरेडी पता है कि सबके मासेस क्या होते हैं. सो फ्रॉम दैट यू कैन डू इट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम इन एन एक्साइटेड स्टेट. अब एल्यूमिनियम जो है हमारा, तो एल्यूमिनियम हमारा होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1. ये हमारे एल्यूमिनियम की ग्राउंड स्टेट, राइट. अब एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि हमारा एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में शिफ्ट कर जाएगा. उसी को हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं. अब उस टाइम पे हमारा कभी भी इलेक्ट्रॉन या फिर शेल नंबर सेम, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे 2, 8, 3 है तो वो 2, 8, 3 ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल हमारा 3s से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा 3p में तो वो एक एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी. तो वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट वुड बी 2, 8 एंड 3. और बाकी सारे ऑप्शंस इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वहां पे वैलेंस शेल्स के नहीं कोर इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्साइट कर दिया है. सो दैट इज नॉट द केस. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू मेक 3 लीटर ऑफ अ 2 मोलर सॉल्यूशन, राइट. तो अब हमें एक
NaCl का एक सॉल्यूशन बनाना है विच इज 2 मोलर. ओके एंड द क्वेश्चन इज वॉल्यूम हमें दे रखा है 3 लीटर, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, राइट. अब हमें बेसिक एक फॉर्मूला पता है हमारा, तो मोलारिटी क्या होता है? तो मोलारिटी होती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें उसने वॉल्यूम दे रखा है 3 लीटर्स एंड ऑब्वियसली दिस इज इन लीटर्स ओनली, मोल पर लीटर होती है हमारी मोलारिटी की यूनिट. अब उसने हमें मोलारिटी दे रखी है विच इज 2 मोलर एंड वॉल्यूम दे रखा है 3 लीटर, सो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 × 3 विच इज 6 मोल्स. सो एक बेसिक फॉर्मूला है हमारा मोलारिटी का, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स 65.4 grams zinc, 12 grams carbon and 48 grams of oxygen. What is the mole ratio of zinc to carbon to oxygen in this compound? अब एक compound है हमारे पास, उसने बोल दिया हमें कि उसके अंदर 65.4 grams zinc है, 12 grams carbon है और 48 grams oxygen है. तो अब number of moles का ratio तो हमें calculate करना है. तो number of moles क्या होते हैं हमारे किसी भी substance में? तो number of moles का एक basic सबसे पहला formula होता है which is given mass number of moles is equal to given mass by atomic mass. तो अब यहाँ पे हमें zinc दे रखा है, तो अगर हम number of moles को n से represent करें, तो number of moles of zinc will be equal to 65.4 divided by उसका molar mass कितना दे रखा है, 65. Which is approximately equal to 1. Similarly, अगर मैं number of moles of carbon calculate करूँ, तो उसका given mass दे रखा है 12 grams. Molar mass भी होता है उसका 12. तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. और number of moles of oxygen अगर हम calculate करें, तो उसका given mass है हमारे पास 48 grams. और उसका molar mass होता है 16 grams per mole, which is equal to 3. तो अगर हमसे पूछे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1:3. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी हियर बी कि 1:1:3 का मोल रेशियो हमारा होगा उस कंपाउंड में जिंक कार्बन और ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रिपेयर अ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक मोलारिटी, राइट. द स्टूडेंट डिटरमिन्स दैट द मास ऑफ द सॉल्यूट नीड्स टू बी 30 ग्राम. व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसीजर टू फॉलो? नाउ उसने हमें दे दिया कि हमें एक 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, राइट. 1 लीटर हमारा सॉल्यूशन है और एक मोलारिटी है विच इज फिक्स्ड, और वो बोल रहा है कि इसके लिए मास ऑफ द सॉल्यूट विच इज रिक्वायर्ड इज 30 grams, है ना. तो 30 grams हमारा सॉल्यूट जाएगा ताकि हमारा एक 1 लीटर सॉल्यूशन बने, तब जाके स्पेसिफिक मोलारिटी मिलेगी हमें उस सॉल्यूशन की. तो अब ऑप्शन है व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसीजर टू फॉलो. अगर वो फर्स्ट ऑप्शन है एड 30 grams ऑफ द सॉल्यूट टू 10 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट, तो नहीं, हमें 1 लीटर बनाना है सॉल्यूशन, राइट. तो 10 लीटर सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है, so which is incorrect. B option is add 30 grams of the solute to 970 ml of the solvent to make 1 liter of the solution. Now here, हमारे पास एक solid, हम एक liquid में mix कर रहे हैं, right? तो volume of change in the volume on mixing, वो हमें पता नहीं है, right? तो हमें the absolutely correct option would be D, which says add enough solvent to 30 grams of the solute to make 1 liter of the solution, right? क्योंकि हमें solution चाहिए 1 liter. हमें नहीं पता कि हमारा सॉल्वेंट कितना जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है वो हमारा सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा. तो हम
add enough solvent to 30 grams of the solute to make 1 liter solution. That would be the correct procedure to follow to get the specific molarity. Now question is, you have to tell कि इसमें हमारा कौन सा सही प्रोसीजर है जिसमें ये descriptions represent order of historical development from earliest to most recent, right? Up first, A says electron shells outside a central nucleus. अब shell का concept हमें किसने दिया था? So shell या orbit का concept हमें दिया था Bohr's models. बोहर से हमें मिला था शेल का कंसेप्ट. बी इज हार्ड इंडिविजिबल स्फीयर, जो कि हमें दिया था डाल्टन ने. डाल्टन ने बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल. तो दिस बी वाज गिवन बाय डाल्टन्स थियरी. एंड देन द सी इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस. तो मोस्टली एम्प्टी स्पेस का कंसेप्ट जो है वो हमें दिया था रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने. So Rutherford gave us the concept that atom is almost empty jab uski rays undeflected ja rahi thi. To ab question hai, which list of the atomic model description represent the order of historical developments from the earliest to the most recent. So sabse pehle aayi thi hamari Dalton. Dalton theory. After that आया था J.J. Thomson और उसके बाद आया था हमारा Rutherford. And after Rutherford we had Bohr's model. तो earliest हो जाएगा हमारा B and most recent would be A. So the correct option would be B, C, A. So option C is the correct option. Then next question is, a solution is 0.0240 mole per liter Ki and 0.0146 mole per liter MgI2, right? What volume of water should be added to 100 ml of the solution to produce a solution with I minus concentration of 0.05 mole per liter? Ab question kya bol raha hai ki hamare paas ek solution hai, right? Usme hame Ki aur MgI2 ki कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर दे रखा है और उसने हमें वॉल्यूम भी दे दिया. सो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम. हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे के आई और एम जी आई टू के, ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आई माइनस की कंसेंट्रेशन रखनी है उस सॉल्यूशन में 0.05, राइट. तो अब वो कह रहे हैं कि इसमें हम कितना पानी डालें कि हमारा फाइनली जो सॉल्यूशन हमें मिले उसमें आई माइनस की कंसेंट्रेशन 0.05 मोलर हो जाए, ठीक है. तो सिंपल फॉर्मूला हम यहाँ पे फॉलो करेंगे. तो हमें पता है कि मोलारिटी ऑफ के आई, ठीक है, या फिर हम सीधा कर लेते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. अब हमें दे रखा है इन 100 ml सॉल्यूशन, हमें एक 100 ml का सॉल्यूशन लिया है. तो इन 100 ml सॉल्यूशन हमें पता है कि द मोल्स ऑफ के आई कितना हो जाएगा. मोल्स ऑफ के आई कितने होंगे, हमें मोलारिटी दे रखी है, हमें वॉल्यूम दे रखा है. सो वी मल्टीप्लाई मोलारिटी इनटू वॉल्यूम विल गेट मोल्स. तो 0.0240 मोल पर लीटर को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम इन लीटर से. तो वॉल्यूम इन लीटर कितनी हो जाएगी हमारी, 0.1 लीटर. तो ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.0240. तो 0.0240 एक और जीरो आ जाएगा ना, 0.00240 मोल्स. सिमिलरली मोल्स ऑफ Mgi2 अगेन उसकी मोलारिटी हमें दे रखी है 0.0146 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम अगेन 0.1. तो ये उसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.00146 मोल्स. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमें आई माइनस की कंसेंट्रेशन निकालनी है. अब आई माइनस की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आई नेगेटिव कहाँ कहाँ से आएगा. तो जब हम के आई को डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलने वाले के पॉजिटिव और आई नेगेटिव. एक्वस सॉल्यूशन
में यही मिलने वाला है. सिमिलरली जब हम MgI2 को ब्रेक करेंगे, पानी में डिजोल्व करेंगे, तो वो ब्रेक हो जाएगा इनटू Mg+2+2I-. राइट, बैलेंसिंग यहाँ पे बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली आई माइनस कहाँ से आ रहा है. तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि टोटल मोल्स ऑफ I-, तो I- के टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स फ्रॉम Ki, जितना Ki होगा उतने I- आएंगे वहां से, तो ये आ जाएगा 0.00240 मोल्स प्लस. अब एक MgI2 का मॉलिक्यूल हमें दो I- देगा, तो हमारे पास जितना I- MgI2 से आने वाला है वो डबल हो जाएगा MgI2 से, तो 0.00146. तो हम अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.00532 मोल्स हमारे I- के आ चुके हैं हमारे पास. अब उसने हमें कंसंट्रेशन भी दे रखी है, 0.05 मोल पर लीटर बनाना है हमें सॉल्यूशन. ठीक है, तो हम सीधा मोलारिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा हमारा 0.05, राइट, विच इज द मोलारिटी विल बी इक्वल टू 0.00532 बाय वी इन लीटर्स. तो हम यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज करके हम वॉल्यूम निकाल लेंगे हमारे सॉल्यूशन की इन लीटर्स. तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 0.1064, विच इज इक्विवेलेंट टू 106.4 मिलीलीटर्स. तो 106.4 मिलीलीटर हमारा सॉल्यूशन है. अब क्वेश्चन क्या पूछा है तुमसे, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड. तुम्हें निकालना है कि इसमें पानी कितना ऐड करोगे, राइट. 106.4 हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, राइट. और उसने ऑप्शन भी हमें फर्स्ट ही दे रखा है वो. सो यू हैव टू मेक श्योर कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना होगा. वो हो जाएगा 100, तो हमारा ऑलरेडी इनिशियल सॉल्यूशन था, उसमें हम 6.4 ml वाटर एड करेंगे. सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी 6.4, क्योंकि 106.4 इज द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सॉल्यूशन. पानी कितना डाला, सो ऑलरेडी था, 6.4 हमने उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव लेड सल्फेट कैन डीकम्पोज टू लेड सल्फाइट एंड ऑक्सीजन व्हेन हीटेड. ठीक है, वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास PbSO4 है, तो वो कह रहा है कि PbSO4 लेड सल्फेट को तुम अगर हीट करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा PbSO3 और O2 में. सल्फाइट मतलब SO3, राइट. तो अब उसने हमें बोल दिया कि SO3 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है. फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. तो अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 PbSO4 गिविंग 2 PbSO3 प्लस O2, राइट. इफ द रिएक्शन जेनरेट्स, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन डेटा इज इफ द रिएक्शन जेनरेट्स 2.25 grams of oxygen gas. O2 उसने में बता दिया कि 2.25 grams हमारी निकली है. तो what mass of PbSO4 reacted? Assume 100% yield in this reaction. अब उसने हमें दे दिया कि तुम अज्यूम करो कि इस रिएक्शन की yield 100% है. इसका मतलब कि जितना रिएक्ट करा वो सारा का सारा कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में. That means that 2 moles of PbSO4 will produce 1 mole of O2 gas. क्योंकि 100% yield है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे 2 mole PbSO4 के अगर डीकम्पोज होंगे तो वहां से 1 mole ऑफ ऑक्सीजन विल बी जेनरेटेड. ठीक है, तो अब PbSO4 इसका मतलब हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि 1 mole ऑफ O2 विल बी प्रोड्यूस्ड by 2 moles of PbSO4. अब उसने हमें दे दिया कि 2.25 grams. ठीक है, अब 1 mole O2 का मतलब क्या है, उसका मोलर मास होता है 32 grams.
तो 32 ग्राम्स O2 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ PbSO4 का जो मोलर मास होता है दैट इज 303 ग्राम पर मोल. तुम्हें दे रखा है एटॉमिक मासेस, वी कैन कैलकुलेट राइट. तो इसका मतलब तो 32 ग्राम्स ऑफ O2 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 606 क्योंकि दो मोल्स हैं तो 606 ग्राम्स ऑफ PbSO4. तो इसका मतलब 2.25 ग्राम्स O2 किससे जनरेट होने वाला है, किससे बनेगा, तो 606 बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 2.25. दिस विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू 42.6 ग्राम्स व्हिच इज योर ऑप्शन ए. तो इसमें हम एक सिंपल फॉर्मूला दे रहा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वी हैव टू कैलकुलेट कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा जब हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है. तो यहाँ पे हम सिंपल यूनिटरी मेथड अपना लगाएंगे और वी कैन इजीली कैलकुलेट द मास ऑफ द रिएक्टेंट. आई होप दिस इज क्लियर. Then we have the next question, which is the subshell filling order used for quantum mechanical model of an atom is an approximation of relative subshell energy, which assumes the energies remain fixed. However, there are exceptions to Aufbau principle. Which of the following is the correct ground state configuration of an atom found on the periodic table? जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम तीन रूल्स से फॉलो करते हैं, जिसमें से पहला है हमारा ऑफ़बॉ प्रिंसिपल. अब ऑफ़बॉ क्या बोलता है, ऑफ़बॉ सेज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो पहले फिल होगा एंड देन वी विल मूव टू द हायर एनर्जी ऑर्बिट ऑर्बिटल. तो हमें एक पता है ऑर्डर, पहले 1s भरता है, उसके बाद हमारा 2s ऑर्बिटल भरता है. पहले 1s, 2s, then we have 2p, then we have 3s, 3p, and then there is 4s. I hope this is clear अब तक. तो उसके बाद we fill 3d. अब जो exception है हमारे पास, तो exceptional तुम्हें दो ही हैं अभी के लिए. फर्स्ट इज कॉपर विच इज 29 एंड द अदर वन इज क्रोमियम, इसका एटॉमिक मास है 24. ठीक है, तो अब इस केस में, इनके केसेस में देयर इज अ डिफरेंट लाइक डिफरेंस एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड की, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट आ जाता है. तो कॉपर जो है हमारा 3d10, 4s 1 एंड क्रोमियम इज 3d5 4s 1, and this is because of the higher stability of half filled and fully filled electrons. So yahan pe hamara option number A correct hai, B incorrect hai. Chromium ka hame pata hai ki electron 3d5 ho jata hai, 4s 1 ho jata hai. Yahan pe hamare paas option C mein 4s ke baad 4p hai, which is not correct. To energy hamari n plus l rule se hum define karte hain. To 4s ke baad we have to fill 3d. theek hai, same ऑप्शन सी और डी में यही गलती है. सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन ए विच इज दैट ऑफ क्रोमियम. क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. एक्सेप्शंस तो अब तक याद हो ही गई होंगी. देन द नेक्स्ट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रोमीन इन इट्स लोअर एनर्जी स्टेट. वैसे इस क्वेश्चन को करने के सिंपल तरीके भी हैं. हमें हैलोजन का एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता है, ठीक है. इफ नॉट तो हमारे पास एक ब्रोमीन दे रखा है, ठीक है. ब्रोमीन का हमें एटॉमिक मास भी एटॉमिक नंबर दे रखा है 35, ठीक है. 35 दे रखा है तो हम डायरेक्टली फिल करना शुरू कर देंगे. तो पहले 1s के अंदर जाएंगे दो, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2. देन वी हैव 2s2, देन वी हैव 2p6. अभी तक हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए. तो 2p के बाद बारी आती है हमारी 3s की, 3s के बाद बारी आती है 3p की, एंड देन वी हैव 4s2. 4s के बाद हमारा भरता है 3d, लिखते उसको पहले हैं कन्वेंशनली, राइट. तो अभी तक हमने कितने 30 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर चुके हैं, राइट. तो आफ्टर दिस वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो 4s के बाद आएगा 4p, तो 4s2 4p
फाइव. सो द करेक्ट कॉन्फिगरेशन हियर इज ए. नहीं तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हैलोजन्स जो है हमारे फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन, तो उनके लिए जो हमारा होता है दैट इज एन एस टू एन पी फाइव. उनकी जनरल कॉन्फिगरेशन है एन एस टू एन पी फाइव, वेर एन इज द उसका आउटर मोस्ट शेल. सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए. आई होप दिस इज क्लियर. ऑफ बॉस के बाद तो आता होगा सबको. Then the next question is, the volume of Earth's ocean has been estimated to be about 1 billion cubic kilometers. ठीक है, about how many water molecules are there in Earth's ocean? Choose the closest answer, right? अब उसने हमें density भी दे रखी है. For water, density is 1 gram per ml या फिर 1000 kg per meter cube. अब यहाँ पे उसने हमें volume दिया है, right? उसने हमें दिया है कि वॉल्यूम जो है हमारे अर्थ ओशन की दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10^1 × 10^9 किलोमीटर क्यूब. ठीक है, किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर में दे रखा है. अब क्यूबिक किलोमीटर को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में क्योंकि हमारी डेंसिटी उसी में है. तो अब हमें पता है सिंपल कि 1 किलोमीटर जो होता है वो हमारा होता है 1000 meters के बराबर. तो 1 kilometer is equal to 1000 meter. तो 1 kilometer क्यूब कितना हो जाएगा? तो 1 kilometer क्यूब कर देंगे हम पूरी इक्वेशन का, तो ये आ जाएगा हमारा 10^9 मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम को हमने अगर कन्वर्ट करना है तो विल जस्ट सब्स्टिट्यूट, तो ये आ जाएगा हमारा 1 × 10^18 मीटर क्यूब. फर्स्ट यूनिट्स इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में. ठीक है, वॉल्यूम हमें दे दी 1 × 10^18 मीटर क्यूब, राइट. अब हमें वॉल्यूम दे रखी है और हमें दे रखी है डेंसिटी बस. तो डेंसिटी क्या होती है हमारी किसी भी तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. इसका मतलब कि मास कितना हो जाएगा? अब हमें डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी दे रखी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रखा है 10^18 मीटर क्यूब. ठीक है, व्हेन वी विल सॉल्व दिस तो दिस विल कम आउट टू बी 10^21 केजीज, राइट. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए हम पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे. तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए विल डिवाइड द गिवन मास बाय मोलर मास व्हिच इज 18 ग्राम पर मोल. तो बेटर है कि हम इसको कन्वर्ट कर लें. 10^24 ग्राम्स आ गया. तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? गिवन मास व्हिच इज 10^24 ग्राम्स और मोलर मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल. तो ये आ गया मेरा 1/18 × 10^24 moles. ठीक है, अब closest answer पूछा तो हम exact calculate नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पर हम एक idea ले रहे हैं, right? After this, we have to calculate the number of molecules. अब एक mole का मतलब होता है Na molecules या Na particles, तो number of molecules कितने हो जाएंगे यहाँ पे? Given number of moles is 1/18 × 10^24. We'll multiply this by Na, which is 6 × 10^23. अब approximate लेना है तो इसलिए तो ये हमारा closest क्या आ जाएगा? 10^45. In out of the given options, the closest would be 10^45. I hope this is clear. Simple formula लगाओ और unit conversion is important. After this, we have a 0.250 gram sample of an unknown acid requires 17.3 ml of 0.140 mole per liter NaOH for complete neutralization. What is the molar mass of the acid? Assume the acid has only one acidic hydrogen atom. ठीक है, तब उसने हमें बोला है कि हमने एक acid है
उसको बेस के साथ न्यूट्रलाइज करा है. ठीक है, जब भी न्यूट्रलाइजेशन पढ़ते हैं तो सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन इज तुम ग्राम इक्विवेलेंस इक्वेट कर दो. ठीक है, तो वी कैन से दैट एट इक्विवेलेंस पॉइंट, या जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो हम बोल सकते हैं कि द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड मस्ट बी इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस. अब ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूला अलग अलग यूज कर लेंगे. अब हमें एसिड का याद दे रखा हैज ओनली वन एसिडिक हाइड्रोजन एटम, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि उसका एन फैक्टर कितना हो गया वन, और गिवन मास दे रखा है, मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है. तो मोल्स इन टू एन फैक्टर विल गिव अस द ग्राम इक्विवेलेंट. तो मोल्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.250 गिवन मास बाय मोलर मास, लेट्स से विच इज एम नॉट. ठीक है, मोलर गिवन मास बाय मोलर मास विच विल गिव अस द नंबर ऑफ मोल्स इन टू एन फैक्टर विच इज वन विल गिव अस द ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू. अब बेस की हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसकी मोलारिटी दे रखी है और उसका वॉल्यूम दे रखा है, राइट. अब मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे, मोल्स. मोल्स इनटू अगेन एन फैक्टर, NaOH के लिए एन फैक्टर इज वन. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17.3. अब ml है तो इसको पहले लीटर्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट नहीं कर रहे, ग्राम इक्विवेलेंट कर रहे. तो वॉल्यूम इनटू मोलारिटी विच इज 0.140 मल्टीप्लाई बाय NaOH का एन फैक्टर इज वन. तो यहाँ से वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम नॉट and it will approximately be equal to 103 gram per mole. So here the correct answer would be D. Simple formula hai gram equivalent ka, to mein basic formulas yaad hone chahiye ki gram equivalent ko kaise calculate karte ho. Jo bhi data given ho uske accordingly formula laga lo and calculate the gram equivalent. Next question is, a solution is prepared by complete dissolving a solid mixture of NaOH and MgOH twice in water. For the resulting solution, which of the following conditions must be satisfied, right? Ab tumse concentration ki terms mein pucha hai, right? So ab agar NaOH le hum, NaOH jab NaOH को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो NaOH डिसॉल्व होने के बाद हमें क्या देने वाला है, NaOH on dissolving in water will give us Na plus aqueous, और हमें मिलेगा OH negative aqueous. Similarly, हमारे पास दूसरा है MgOH twice, तो MgOH twice को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूंगी तो इट विल गिव मी Mg2 plus aqueous plus 2 OH negative. ठीक है, अब इसका मतलब कि अगर मेरे पास एक मोल है NaOH का, तो वो डिसॉल्व होने के बाद एक मोल Na प्लस देगा और एक मोल OH नेगेटिव देगा. ठीक है, मतलब कि OH नेगेटिव फ्रॉम NaOH विल बी इक्वल टू द Na प्लस की कंसंट्रेशन. ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास MgOH twice. अब MgOH twice जब dissolve होगा पानी में, तो it will give us one mole of MgOH twice will give us one mole of Mg2 plus and two moles of OH negative. So let's say if we have x moles of MgOH twice, so it will give us x moles of Mg2 plus and 2x moles of OH negative. तो इसका मतलब कि OH negative from MgOH twice will be equal to twice the concentration of Mg plus 2. अब हमारे पास इस सॉल्यूशन में जब हम NaOH और उसको रिजोल्व करेंगे, तो हमारे पास दो जगह से OH आ रहा है, तो दो जगह से OH आ रहा है, तो हम टोटल OH नेगेटिव देख लेते हैं कि कहाँ से आ रहा है. तो आई कैन कैलकुलेट दैट टोटल OH negative will be equal to the concentration of Na plus plus twice the concentration of Mg 2 plus. So यहाँ पे the correct option would be option C. Basically हमने करा क्या है कि हमने दो equations लिए हैं, और दो equations से हमने OH negative और
मतलब जो उनके काउंटर आयंस है उनको रिलेट कर लिया है. आफ्टर दैट वी हैव जस्ट एडेड द टू इक्वेशंस, कि हमने दोनों इक्वेशन जो बनी है उनको ऐड कर दिया है. तो ऐड करने के बाद हमें फाइनली इक्वेशन मिली कि जितना हमारे पास सॉल्यूशन में OH नेगेटिव है दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Na+, ठीक है, प्लस ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+. सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी. Here, then the next question is, कि next में हमसे पूछा है, which one of the electronic configuration is inconsistent with Hund's rule? अब Hund's rule क्या बोलता है? Hund's rule says कि जब भी हमें degenerate orbitals में electron की filling करनी है, degenerate orbitals का मतलब ऐसे orbitals जिनकी energy same है, तो जब भी हम degenerate orbitals के अंदर electron fill करेंगे, तो हम उन सबको एक singly फिल करेंगे, उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे. जब तक सारे सिंगल फिल्ड नहीं होते तब तक हम उनकी पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है. दैट इज अ सिंपल हुंस रूल. अब क्वेश्चन में पूछा है कि इनकंसिस्टेंट कौन सा है. इनकंसिस्टेंट में हम ऑप्शन ए चेक करें, तो ऑप्शन ए हमें बोल रहा है कि 1s2 2s2, विच इज फाइन. अब 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, 2p में तीन इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर मेरे पास 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है और p ऑर्बिटल्स में हमारी 3-fold डीजेनरेसी होती है, ठीक है, px, py and pz. तो जब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगी, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के टाइम आई विल फर्स्ट फिल ऑल द ऑर्बिटल सिंगली, ठीक है, मैंने सबको सिंगल फिल करा है. उसके बाद जब चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा देन विल स्टार्ट द पेयरिंग. तो p3 के केस में ऐसी होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, नॉट लाइक दिस. तो इनकंसिस्टेंट हो गया ए इज द करेक्ट आंसर. अब p1 है, ठीक है, तुमने पी एक्स में डाला, पी वाई में डाला, इट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अब डी में क्या है, डी में तुम्हारे पास एक पी फाइव कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है. अब मेरे पास अगर 2p5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 2p5 कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट आई विल डू, कि सबको पहले सिंगल फिल करेंगे, 1 2 3, उसके बाद मुझे दो इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, ठीक है, तो या तो इन दोनों को पेयर कर दो या फिर ऐसे, एक ही बात है. तो D is also consistent. तो the one which is inconsistent with Hund's rule will be A. So the correct answer would be A. The next question is, let the energy of 2s level in a hydrogen atom be negative E. What is the energy of 3s level? अब इस क्वेश्चन में ढंग से अगर हम क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि तुम बताओ हाइड्रोजन एटम, राइट. अब हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए वी यूज बोहर्स मॉडल, क्योंकि उसके लिए उसके रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है. तो बोहर्स मॉडल हम अगर यूज करें, तो अकॉर्डिंग टू बोहर उसने बोला था कि एनर्जी ऑफ any orbit is directly proportional to z square by n square. अब उसने हमें बोला है हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम है तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या हो गई, 1 के बराबर. तो इसका मतलब जो हमारी एनर्जी है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी n square से, ठीक है. लेट्स से दैट दिस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट इज k, ठीक है, कुछ भी K. अब उसने हमें बोल रखा है कि एनर्जी ऑफ 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए उसने एनर्जी हमें दे रखी है नेगेटिव E, ठीक है. तो विल जस्ट सब्स्टिट्यूट, अब नेगेटिव तो होता ही है यहाँ पे, सो विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. इसका मतलब कि माइनस E वुड बी इक्वल टू माइनस K अपॉन N की वैल्यू कितनी हो गई, 2/4. इसका मतलब कि k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, k की वैल्यू आ गई 4e. दिस इज व्हाट वी इवैल्यूएटेड फ्रॉम द गिवन डेटा, कि एनर्जी ऑफ 2s से हमने k की वैल्यू, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली 4e. अब वो कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 3s लेवल. अब एनर्जी ऑफ 3s लेवल क्या हो जाएगी, अगेन विल यूज दिस एक्सप्रेशन, तो ये आ जाएगा माइनस
के अपॉन, अब यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई 3, तो एन स्क्वायर वुड बी 9, तो विल जस्ट सब्स्टिट्यूट, तो ये आ जाएगा के की वैल्यू आ जाएगी हमारी नेगेटिव 4e बाय 9. के की वैल्यू हमने ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो एनर्जी ऑफ 3s ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू -4/9e, तो करेक्ट आंसर वुड बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उसने बोला कि हमने 100 ml ऑफ 0.06 molar कैल्शियम नाइट्रेट इज एडेड टू 50 ml ऑफ 0.06 molar Na2C2O4, राइट? आफ्टर द रिएक्शन इज कम्प्लीट तुमसे पूछा है कि 0. कितना कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेसिपिटेट होगा और कितना एक्सेस होगा और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए दैट इज कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है. तो लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन, कि जो खत्म हो जाए पहले, ठीक है, और जो दूसरा वाला विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट दैट इज आर एक्सेस रिएजेंट. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि हमने एक CA कैल्शियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, अब वो है हमारे पास 100 ml और उसकी मोलारिटी है 0.06 molar. अब हमने इसमें ऐड करा है सोडियम Na2 ऑक्सलेट Na2C2O4. अब इसका हमने उसने बोला है कि दिस इज 50 ml और इसमें कंसंट्रेशन अगेन इज 0.06 molar. तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो दे विल गिव अस ऑन रिएक्शन दे विल गिव अस Ca C2O4 कैल्शियम ऑक्सलेट. अब ये हमारा प्रेसिपिटेट हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, CaC2O4 प्लस विल हैव ट्वाइस ऑफ NaNO3. इसका मतलब कि हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई है विच सेज दैट 1 mole ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 1 mole ऑफ सोडियम ऑक्सलेट टू गिव अस 1 mole ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड 2 moles ऑफ सोडियम नाइट्रेट, करेक्ट. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दोनों की वॉल्यूम और मोलारिटी दे रखी है. तो रिएक्टिव मिक्सचर है तो रिएक्टिव मिक्सचर को डील करने के लिए विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिलीमोल्स, कि अगर हम मिलीमोल्स कैलकुलेट करें तो मिलीमोल्स हमारे कैल्शियम नाइट्रेट के कितने हो जाएंगे, 100 ml है 0.06 molar, तो दिस विल बी 6 millimoles, ठीक है. अब सोडियम ऑक्सलेट का 0.06 molar एंड 50 ml, तो 50 ml इसके हो जाएंगे 3 millimoles, ठीक है. तो अब इनिशियली हमारे पास 6 millimoles है कैल्शियम नाइट्रेट के और 3 millimoles है Na2C2O4 के. अब बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये 1:1 की रेशियो में रिएक्ट करेंगे तो इसके जो 3 moles हैं ये 3 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और फिर खत्म हो जाएगा Na2C2O4. इसका मतलब कि Na2C2O4 इज माय लिमिटिंग रिएजेंट एंड द अदर वन विच इज कैल्शियम नाइट्रेट विल बी माय एक्सेस रिएजेंट. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें पता चल गया तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है. अब क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्सलेट कितना बनेगा. अब कैल्शियम ऑक्सलेट का अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये तो इनिशियल अमाउंट है, राइट. जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास ये कितना बचेगा, 3 moles, क्योंकि 3 millimoles उसके रिएक्ट कर चुके हैं, 3 millimoles विल बी लेफ्ट, तो ये आ जाएगा 0, खत्म हो जाएगा. सिमिलरली ये कितना बनेगा, 3, एंड दिस विल बी 6. तो अब हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट के 3 millimoles बने हैं, ठीक है. 3 millimoles का मतलब क्या हो जाएगा, 0.003 moles, तो करेक्ट है. अब वो पूछ रहा है कि कैल्शियम कितना बचा है एक्सेस में, ठीक है. तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, उसकी मिलीमोल्स कितने हैं, मिलीमोल्स हमें दे रखे हैं, हमने कैलकुलेट कर लिया कि उसके एक्सेस में जो बचे हैं दैट इज 3, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 इसका, इस कैल्शियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन का और Na2C2O4 का 50, तो 3/150 या 1/50, दिस विल कम आउट टू बी 0.02 molar, राइट. तो ऑप्शन बी विल बी इनकरेक्ट, तो 0.02 molar कैल्शियम +2 बचेगा, ना कि 0.003 molar. So the correct answer here would be
A, C and D. A, C, D correct हो जाएगा. Then the next question is, 2 moles of CO2 is required. Which of the following can be used to prepare it? ठीक है, वो उसने हमें बोला कि हमें 2 मोल CO2 चाहिए. अब कैसे हम उसको प्रिपेयर करें ये हमें डिटरमिन करना है. ठीक है, अब NaHCO3 से कैसे बनेगी CO2? तो NaHCO3 जो हमारी है दैट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. तो अगर मैंने हीट किया तो ऑन हीटिंग इट डीकम्पोजेस इनटू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. राइट, सेम इज द केस फॉर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को भी जब हमने हीट करा तो इट विल गिव मी CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2. राइट, अब बैलेंस अगर हम करें ऊपर वाली इक्वेशन को तो इट विल मी 2 NaHCO3 विल गिव मी 1 Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. It means that 2 moles of NaHCO3 on heating will produce 1 mole of CO2. Matlab ki 1 mole CO2 will be prepared by 2 moles of NaHCO3. Ab hame kitna prepare karna hai CO2? 2 mole. To iska matlab 2 mole CO2 kisse banne wala hai? 4 mole NaHCO3. Aur 4 mole NaHCO3 ka mass kitna ho jayega? 4 into 84 ग्राम्स. ये कितना आ जाएगा हमारा? 336. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 1 मोल ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल्स ऑफ NaHCO3. इसका मतलब 2 मोल CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 4 मोल्स ऑफ NaHCO3. अब 4 मोल NaHCO3 का क्योंकि हमें ग्राम्स में पूछ रखा है मास, तो विल जस्ट यूज कि उसका मास कितना होगा, तो मोल्स इनटू मोलर मास. तो 4 इनटू 84, 4 moles into 84 gram per mole, it will give us 336. So 336 grams of NaHCO3 will produce 2 moles of CO2, correct. Then we have calcium hydrogen carbonate. Calcium bicarbonate ki agar hum baat karein, to jab hum isko heat karenge, again we'll get CaCO3 plus H2O plus CO2. Now here the reaction is already balanced. Iska matlab ki 1 mole CO2 will be produced by only 1 mole of calcium bicarbonate. Iska matlab ki 2 mole CO2 kisse banne wala hai? 2 mole CO2 hamara banega 2 moles of calcium bicarbonate. Ab uska molar mass kitna hai? Already it's given 162. To iska matlab mass kitna lagne wala hai? 2 into 162 grams. To ye aa jayega hamara 320. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड डी. आई होप दिस इज क्लियर. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. वन मोल ऑफ H2SO4. अब हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन पूछा है कि न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हम यूज करेंगे. अब H2SO4 को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं अमोनिया के साथ. देन वी हैव बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड देन वी हैव KOH. अब यहाँ पे जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो एक तरीका तो सिंपल है कि हम ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कर दें या फिर सिंपल रिएक्शन देख लें. दोनों तरीके ठीक है. तो अगर हम H2SO4 की बात कर रहे हैं H2SO4 will react with ammonia to give us ammonium sulfate. Right? और अगर हम इस reaction को अगर हम balance करें तो इस reaction को balance करेंगे तो this will be 1 H2SO4 will react with 2 moles of ammonia. So this is correct. So A is correct. Then we have H2SO4 with barium hydroxide. H2SO4 will react with barium hydroxide to give me barium sulfate plus H2O twice. Right? So again, it means 1 mole of H2SO4 will react with 1 mole of barium
hydroxide. So this is also correct. Then we have H2SO4 reacting with KOH. KOH ke saath ye banayega hume K2SO4 plus H2. Ab is reaction ko balance karenge to 1 mole of H2SO4 will react with 2 moles of KOH. So this is also correct. So yahan pe jo correct answer ho jayega, that will be A, B and D. I hope this is clear. नहीं तो इसको ग्राम इक्विवेलेंट और एन फैक्टर से भी हम कर सकते हैं. Then the last question of this quiz is, you have the radial probability density curve. तो radial probability density curve का मतलब है, we have four pi r square versus r. So for radial probability density curve for obtained for an orbital wave function of valence electrons of an alkali earth metal has four peaks. ठीक है, alkali earth metals की बात कर रहे हैं, तो ए तो बिल्कुल ही गलत हो गया. Potassium is alkali metal, ना कि alkali earth metal, right? After this we have four peaks. तो अगर हम इस curve की बात करें तो इसका जो maxima होता है, तो maxima is equal to the value of n. तो वैल्यू ऑफ n जो है वो यहाँ पे उसने हमें दे रखा है कि फोर पीक्स मतलब n इज इक्वल टू 4. और इसकी अगर हम बात करें तो अल्कली अर्थ मेटल्स के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास 4s वाला जो मेटल होगा दैट विल बी कैल्शियम. सो करेक्ट आंसर वुड बी कैल्शियम. कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम कर्व डालेंगे तो उसमें 4 पीक्स आएंगे.